चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगला आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और पाई को जब आप कांस्टेंट पुट अप करोगे तो ये बन जाएगा, क्या लिखेंगे, सी आर टी। एक सी क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, मोल पर लीटर। तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन वी मोल पर लीटर। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, यहाँ लिखते हैं पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी। ये मैंने सी के प्लेस पे वैल्यू रखी एन बाई वी, मतलब एन पर मोल। अब इसके प्लेस पे वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू होगी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू आर टी। अब प्रॉब्लम ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला तो आ गया, इस एम बी को इधर लेंगे तो मोलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का पता चल जाएगा, एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू वी इंटू आर। ये तो फार्मूला आ गया कि इससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी पता कर सकते हैं और नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मोलर मास भी पता कर सकते हैं। बट ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है, मान लीजिए कोई कंटेनर है और उसमें एक सेमी परवेल मेम्ब्रेन फिट। सेमी परवेल मेम्ब्रेन के बारे में आप जानते हो, बायो के स्टूडेंट हो, ज्यादा समझाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन सी वन, ये दूसरा सॉल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन सी टू। तो इसको माने हम लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन और इसको माने हम हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। अब ये ध्यान रखना, लोअर कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है, तो इसमें एक्सेस कौन है, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की सीधी सी डेफिनेशन है, व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट ओनली डिस्प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ कैपिटल टी है जिसको हम केल्विन में पुट अप करेंगे। अगर कोई वैल्यू, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया सवाल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, तो आपको यहाँ पर इससे 273 प्लस करके 300 केल्विन इस आर के प्लेस पर, टी के प्लेस पर पुट अप करना। आर की भी दो वैल्यू होती है, एक आप जानते हो 0.082 और आर की दूसरी वैल्यू होती है 8.31 और आर की तीसरी वैल्यू होती है 2 किलो कैलोरी। देख इस तरह इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें भी वही वन टॉप फैक्टर यूज करना पड़ेगा जैसे आपने फार्मूला बनाया पाई इक्वल टू सी आर टी, ये तो मेन फार्मूला था। तो अगर वन टॉप फैक्टर यूज किया तो आई सी आर टी लिखना पड़ेगा, और आई वही डिसोसिएशन के कंसेप्ट से आपको कैलकुलेट करना। तेजी से नोट कर लीजिए,
जब आप नोट कर लें तो यस और नो बोलिए, फिर हम लेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।